में अपना देह स्वाहा कर दिया। वास्तव में देह स्वाहा नहीं कर दिया, देह भान स्वाहा कर दिया, आत्मा अभिमानी बन गई। आत्मा को ही शक्ति कहा जाता है, शिव की शक्ति है जो आत्म की स्टेज में स्थिर हो जाती है। बड़ी बहन ने जो दूसरी माता को सुनाया वो भी सुनना सुनाना हुआ। बड़ी
पिता के पहले सुनाती है या बाद में सुनाती है? पहले ही सुनाती है, पहले सुनाती है। इतने नंबर की ब्रह्मा को बोलती है, इतने नंबर की ब्रह्मा सोने को बोलती सुनाती है बाबा की, कि वो तीसरे नंबर की ब्रह्मा बोली कौन दूसरी माँ, छोटी मम्मी तीसरे नंबर की ब्रह्मा बोली। फिर दादा ने एक रास्ता पहले कपट करेंगे वो तो फिर बाद में पैसा होते हैं, तो पहले ब्रह्मा के सूत्र ने ज्ञान सुना तो ब्राह्मण पहला बना, इसलिए बोला गया है ब्राह्मण बने निकल प्रजा पिता आ गया। प्रजा पिता माने 500 करोड़ की प्रजा, उसका पिता वो पहला ब्राह्मण है सृष्टि का, जो पहला देवता है। लेकिन वो ब्राह्मण जो है वो किसी ब्रह्मा के मुख से सुनेगा तभी तो भगवान का मुख प्राप्त करेगा। तो किसके मुख से सुना? और पहला ब्राह्मण तब आ जाएगा जब वो सुनने के साथ साथ समझे। अगर समझे नहीं तो ब्राह्मण आ जाए। जो एडवांस ज्ञान में है तो उसमें आपने बोला है कि उसके लिए देवदास के उतरे की जरूरत है।
भगवान के गरीब नवाज कहा जाता है, तो गरीब नवाज के धन की बात है, देश की बात है। भगवान आता है तो ब्रह्मा के द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाता है, तो वो शूद्र हद के गरीब होंगे या बेहद के गरीब होंगे, वो शूद्रों को क्या कहेंगे? वो हद के गरीब होंगे उनको उठाएगा या बेहद के गरीबों को उठाएगा? शूद्र वो तो हद के गरीब होंगे तभी तो गरीब निवास गाया जाता है। अरे प्रजापिता पहले शूद्र था है? उसको भगवान ने उठाया पहले पहले, तो हद का गरीब होगा या बेहद का गरीब होगा? बोलो आपने दे दिया इसलिए पहले उठ गए। वो अपनी कहानी अपने शास्त्रों में अपने ही आंखों से लिखी है बैठ करके। अरे मनुष्यों ने शास्त्र बनाए ना, देवताओं ने या भगवान ने तो शास्त्र नहीं बनाए। तो शास्त्र बनाने वाली जो मनुष्य आत्माएं थी वो पूर्वजन्म में देवताएं थी कि नहीं? रामकृष्ण की दुनिया में और देवता बनने से पहले ब्रह्मा मुख के ब्राह्मण थे, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुन के ब्राह्मण बने। तो तुलसीदास की आत्मा कौन हुई? राम वाली आत्मा हो गई। अब राम वाली आत्मा के लिए ये बोला गया चित्रकूट के घाट पर, कूट माने पहाड़, चित्र माने विचित्र, ऐसा पहाड़ ये विचित्र पहाड़ है, ऐसा दुनिया में कोई पहाड़ नहीं। क्या वो पहाड़ जो होते हैं वो तो स्थूल पहाड़ है, ये कौन सा पहाड़ रहा होगा? विचित्र का मतलब क्या हुआ? ये तो पहाड़ का कोई चित्र नहीं है, विपरीत चित्र, विमाने विपरीत माने ऐसा पहाड़ ऊंची स्टेज वाला, जिस ऊंची स्टेज के पहाड़ पर तुलसीदास चंदन गिर रहे, उन्होंने ज्ञान का चंदन मंथन किया। तुलसीदास माने राम वाली आत्मा ज्ञान का मंथन करती है। तुलसीदास चंदन गिर रहे चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़। संत किसे कहा जाता है? सत शब्द से बनता है संत। क्या जिन्होंने सत्य का अंत पाया, जो सत्य को सुनने में जिनकी बुद्धि लगी रहती है, और सत्य सुनाने वाला कौन है? एक परमपिता परमात्मा इन सत्य सुनाता है, बाकी दुनिया में सब झूठे हैं। नंबर वार झूठे हैं। क्या ये दुनिया कैसी है? झूठे लेना, झूठे रहना, झूठे बोलते, झूठे रहना। आपसे 500 साल पहले तुलसीदास ने लिखा था भय वर्ण संकर्ष भय,
चाहे ब्राह्मण ही क्यों हो लेकिन बर्तन का सूट हो गए तो ब्राह्मण मनन चिंतन मंथन करते हैं या सूत्र मनन चिंतन मंथन करते हैं? ब्राह्मण मनन चिंतन करते हैं। तो चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़ जो सत्य को जानने वाले हैं, सत्य को पहचानने वाले हैं, गौर चित्रकूट कहा जाता है। भगवान भी सत्य है और कोई भी सत्य नहीं, उस भगवान को मानने जानने पहचानने वाले सत्य को जो है वो ही भगवान के सुनाए हुए ज्ञान को महत्व देते हैं। तो संतन की भीड़ लग गई, पूरा हाल भर गया। जिनको ज्ञान की बातों से सत्य क्या है उसके कुछ लेना देना नहीं, वही संतन की भीड़। उस संतों की भीड़ में ज्ञान का चंदन जितने का कार्य जितने किया सबसे जाती, जो 84 का पूरा चक्कर लगाती ऑल राउंड पाठधारी आत्मा है और आत्माओं के एक दो दम एक दो दिन महीना दो महीना सप्ताह दो सप्ताह 100-200 वर्ष कम भी हो जाते लेकिन वो ऑल राउंड 84 का चक्कर लगाने वाली आत्मा, तो वो ज्यादा मनन चिंतन मंथन करेगी, वो ज्यादा अनुभवी होगी 84 जन्मों की या कोई दूसरी आत्मा 84 जन्मों की अनुभवी होगी? जो ऑल राउंड पाठ बजाने वाला है वो ज्यादा अनुभवी होगा, तो जो अनुभवी होगा वो मनन चिंतन मंथन भी सबसे जाति करता है। तो कहा है तुलसीदास चंदन जितने ज्ञान का चंदन जितना माना जो ब्रह्मा मुख से वेदवाणी सुनाई गई है उसका मनन चिंतन मंथन करके उसको अपना बना, जैसे गाय घास खाती है तो क्या करती है चबाती है, अगर चबाएगी नहीं तो दूध नहीं बनेगा, कब दूध बनेगा जितना चबाए। ऐसे ही ये ब्रह्मा के रूप से निकला हुआ ज्ञान बेसिक ब्राह्मण वालों भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां सुन रहे हैं लेकिन वो चबाते नहीं, ऐसे ही निकल जा रहे हैं। चबाने वाले वो चित्रकूट के घाट पर जहां वही संतन की भीड़ रघुवीर ने तिलक किया। अरे भक्तों ने तो राम और कृष्ण को भगवान मान लिया है, वास्तव में राम कृष्ण भगवान है या देवता थे? 16 कला संपूर्ण। अरे भगवान की कलाएं कम होती है क्या है? भगवान तो 16 कला संपूर्ण देवता बनाने वाला है, वो कलाओं में कभी बनने वाला नहीं है, वो कलातीत है। क्या कलातीत कल्याण का रूपांतर कहा जाता है? वही संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन जिते तिलक देत रघुवीर। रघुवीर का मतलब क्या हुआ? रघु माने सूर्य, जो भी सूर्यवंशी है जो भी है उन्हें वास्तविक सूर्य का पाठ बजाने वाला कौन सी आत्मा है? शिव की आत्मा है या शंकर की आत्मा है? शिव की आत्मा है रघु, तिलक लगाती है विश्व की बात सही। जितने भी बैठे हुए हैं नंबर बार मंथन करने वाले हैं, जितना मंथन करने वाले हैं ज्ञान का मंथन करके ईश्वरी ज्ञान को मत करके जितना जितना विशाल बुद्धि बनते हैं उतना अपने जन्मों को अर्ज
शिव बन करके जान जाएंगे, ज्ञानी सुआत्मा बनेंगे, अपनी आत्मा के 84 के पार्ट को जान जाएंगे। अपनी जानकारी अपने आप होगी या सबको एक एक को शिव बाबा बताएगा? हाँ, तो तुलसीदास चंदन जिसे तिलक दे सकती, विश्व की वास्तवाई का तिलक भगवान देते। माना शिव जो है वो क्या करते हैं, जो जितना मंथन करेगा चिंतन करेगा उसको विश्व की वास्तवाई का तिलक लगे। नंबर वन, एक जैसे विश्व की वास्ता नहीं बनते, ऐसे तो दुनिया में सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आकांक्षा करने वाले बहुत हुए, हिटलर, नेपोलियन, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आप आता थे, लेकिन रास्ता गलत अपनाया, हिंसा का रास्ता अपनाया, हिंसा की युद्ध कराए, हिंसा से विश्व की बात कही नहीं मिलती है। ये राजयोग बल है जो भगवान ही आकर के सिखाता है, और राजयोग बल से बड़ा राजा विश्व का महाराजा बनाता है, बना रहा है। जो राज्य नहीं है ये वो ना बता रहा है, सामने काम बता
जाए फैला के और डंडे डाल दिए जाए। तो आप अपने इतना नशे हैं कि खून खा कर ये भी नहीं देखते ये हमारा बच्चा है हमारी अम्मा है क्या है। लोग इतने होते हैं एक छोटी सी मटकी में चने डाल दो जिसका मुखा छोटा हो मटकी का मुंह छोटा हो उसमें वो हाथ डाल लेगा और मुट्ठी भर लेगा तो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो मटकी फूट नहीं जाए। वो बुद्रूपी हाथ फंस गया तो फंस गया वो तो मटकी को अपने आप नहीं छोड़ेगा मटकी अपने आप भले फूट जाए और घुंघरू को भी नहीं छोड़ेगा। मोही इतना होता है कि अगर बच्चा मर जाए तो महीनों तक उसकी खांस पर तो अपने पेट से लिपटा करती रखती बंदर बंदर ही क्यों लिपटा के रखती बंदर क्यों नहीं लिपटा के रखता क्योंकि अभी जो बंदरियां हैं उनमें मोह हो जाता है या बंदरों में ज्यादा मोह है। जो पुरुष पायस बजाने वाले बंदर है राम की सेना के उनमें ज्यादा मोह है या बंदरियों में ज्यादा मोह है। इसलिए बोला है माताओं का अगर मोह विकास खत्म हो जाए तो समझो माताएं विजयी होगी। और अहंकार बंदर में इतना होता है कि हाथी भी सामने से गुजरेगा के सामने भी भटका है। अरे कहां हाथी और कहां छोटा सा बंदर। तो ऐसे ऐसे कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी जो भारतवासी है बीज रूप आत्मा एक शक्ति की इतनी पावरफुल है भगवान के डायरेक्ट बच्चे बनने वाले हैं। भगवान दुनिया में ऊंचे के ऊंचे है राजाओं का राजा बनाने वाली इतनी सर्वशक्तिमान आत्मा है भगवान। तो उसके बच्चे कम पावरफुल होंगे या ज्यादा पावरफुल होंगे ज्यादा पावरफुल तो होते हैं लेकिन वही बच्चे राजा महाराजा के बच्चे अगर कुसंग में आ जाए तो राजा महाराजा के बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं या कोई गरीब आदमी के बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं ज्यादा खतरनाक कौन बच्चाते हैं। राजा महाराजा का बच्चा जो है बहुत खतरनाक बहुत बिगड़े बच्चा है। ऐसे ही ये भगवान के बच्चे बंदर है। राम की सेना कही जाती है बाकी ऐसे नहीं है कि भगवान ने कोई बंदरों की सेना ली बंदर निकल बच जाता है। तो उन्होंने लिख दिया है मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है। अरे मनुष्य 84 लाख योनियों में नहीं जाता है 84 लाख योनियों जैसे कर्म करने लग पड़ता है। सूरत मनुष्य की और सीरत बंदरों जैसी हो जाती ऐसे नहीं है कि भगवान ने आके बंदरों को पढ़ाई पढ़ाई भगवान ने आकर के घोड़े का अवतार लिया घोड़ों को पढ़ाई पढ़ाई ऐसी अवतार लिया भगवान ने आकर के मछली का अवतार लिया मत्स्य अवतार मछलियों को पढ़ाई पढ़ाई राजयोग सिखाए नहीं है। ये मनुष्य आत्माओं के चरित्र हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे पार्क बजाए सूअर का अवतार दिया सूकर अवतार दिखाई दिया। अरे भगवान को मनुष्य पढ़ाने के लिए नहीं मिलते
बच्चे ऐसे थे जो पहले नौ लोग थे कीचड़ बन गए थे। सुअर कहाँ लौटता है? लोग लगाता है कीचड़। ये बेटे बेकार क्या है? ये कीचड़ में लोग लगाने वाली बात है? कीचड़ में रमण करता है? ऐसे जो बेकार लोग हैं मनुष्य प्रति इस्लाम धर्म की आत्मा महाअधिकारी, एक स्त्री से तो उनका जिंदगी में काम चलता ही नहीं, इसलिए धर्म से दूर करती है कि क्या क्या कार्य कर सकते हो। तो ऐसी मनुष्य जाति के जो प्राणी होते हैं उनमें से जो सबसे पावरफुल प्राणी है इब्राहिम, वो इब्राहिम ऊपर से जो आत्मा आती है आप लोग के उसका गायन है, या ऊपर से आने वाली आत्मा जिन देवताओं में प्रवेश करके उनको कन्वर्ट करती है उसका गायन है, जिसमें प्रवेश करती है उसका गायन है। ये जितने भी धर्म पिताएं आए वो सीधे आके कोई बच्चा नहीं पैदा बन जाते हैं। परम नाम से जो आत्मा आएगी पवित्र लोक से आएगी तो पवित्र आत्मा होगी या अपवित्र आत्मा होगी? पवित्र आत्मा होती है। पवित्र आत्मा गर्भ से जन्म नहीं ले सकती, इसलिए जो प्रत्युग त्रेता में जन्म लेते लेते जो देवात्माएं नीचे उतरी द्वापर युग में, उनमें से जो श्रेष्ठ आत्मा है लेकिन पढ़ाई कम पढ़ी, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, ऐसी अधूरी पढ़ाई पढ़ने वाली आत्माओं में जो श्रेष्ठ है उसमें प्रवेश कर चौबीस चौबीस अवतार नहीं लेते, दस दस अवतार नहीं लेते, जो दस अवतार प्राप्त हो गए हैं, जो गीता में लिखा हुआ है तुम भगवान युगे युगे हर युग में आता हूं, चार युग में चार अवतार कह लो, फिर कहीं दस अवतार से चौबीस अवतार नहीं कह सकते भगवान को चलो। जब ये सचिरूपी मकान बहुत पुराना तमोप्रधान हो जाता है दुखदायी कलयुग बन जाता है, पाप युग बन जाता है, तब आते ऐसे नहीं कि द्वापर के अंत में कृष्ण का रूप धारण करके भगवान आया और पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया। अरे भगवान आवेगा तो सुख की दुनिया बना देगा या पापियों की दुनिया बना देगा? दुख की दुनिया बनाने के लिए भगवान आता है क्या? अरे लौकिक दुनिया का भी बाप होता है तो अपने बच्चों के लिए सुख देने के लिए नया मकान बना के जाता है या सुख देने के लिए जाता है? सुख देकर के बाप नहीं जाता, बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए उसी की सृष्टि रखता है, वो तो बेहद का बाप। हाँ वो आराम से लेटा हुआ है, लेटा हुआ का मतलब यह है कि जो भी बड़े से बड़े सांप हैं जिसे चेतना कहो वासुकी नाम कहो जो अनेक फन वाला है, क्या कितने फल दिखाते हैं? पांच फल दिखाते हैं, वो ही रावण के रूप है, उनके ऊपर आराम से लेटता है, कोई चिंता नहीं, वो भी सुखदायी बन जाते हैं, क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे जो भारतवासी दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के कोई क्रिश्चियन बने कोई मुसलमान बने कोई बौद्ध बन गए, वो ही कन्वर्ट होने वाली आत्मा जब भगवान आते हैं तो देवी देवता सनातन धर्म के सच्चे देवता कम कला
से पढ़ेंगे दिखाई तो विष्णु में और शंकर में अंतर है। शंकर के गले में पड़े हुए गले पड़ गए क्या करें, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, ये गले पड़ गए हैं इनको निवाह करना ही पड़ेगा। उन जन्मों का हिसाब किताब है, द्वापर कलयुग में जन्म लिए ना इन्हीं राजाओं के साथ जन्म लिए जिन्होंने राज्य उपजी करके जन्म जन्मांतर राजाएं बने। ये राजाएं भारत के आपस में सबसे जाति मुर्खुटाव करते रहे हैं या प्यार से रहे हैं। भारत के राजाओं ने आपस में खूब मुर्खुटाव की। जब कोई विदेशियों का आक्रमण होता था तब उनकी आंखें खुलती थी और जो उस समय भारत का बड़ा राजा होता था उसकी डरों लेकर के इकट्ठे होकर के लड़ाई करता नहीं थी। सब आपस में एक दूसरे को धोखा देने वाले, भारत का नाम बदनाम करने वाले। अगर ये भारतवासी राजाएं राम वाली आत्मा के पूर्वजन्मों में सहयोगी बनकर के रहे होते और विदेशियों से लगातार मुकाबला किया होता तो भारत की ये दुर्दशा नहीं होती। बातों को सुना हुआ है, समझते नहीं है।
लेकिन मानते नहीं है अभी, अभी विश्वास नहीं बैठा हुआ है। जब विश्वास बैठ जाएगा, सूर्य निकल आएगा, उस समय अमृत वेला खत्म हो जाएगा। अमृत वेला जो योगी जन पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ का फल मिलता है। अमृत वेले का महत्व ज्यादा है, ये ज्ञान सूर्य उदय होने वाला है, उदय होने से पहले अमृत वेला चल रहा है। इस अमृत वेले में जो पुरुषार्थ कर लेंगे भगवान के बताए अनुसार, वो ऊंच पद पाने वाले, राज घराने में जन्म लेने वाले बनेंगे। कोई महाराजा बनेंगे, कोई महारानी बनेंगे, कोई राजा बनेंगे, कोई रानी बनेंगे, कोई प्रिंस बनेंगे, कोई प्रिंसेस बनेंगे, कोई राज्याधिकारी बनेंगे। अकेला राजा थोड़ी राजा ही करता है, करता है क्या है? नहीं करता। लेकिन जब सूर्य निकल आ जाएगा, सारे संसार में प्रकट हो जाएगा, फिर अमृत वेला खत्म, तो वो परिवार के लोग पुरुषार्थ नहीं कर पाए, झगड़े का माहौल दुनिया में पैदा हो जाएगा, महामारी महाभारत ग्रह युद्ध शुरू हो जाएगा, खून खराबे होंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में लड़ेंगे। तो पढ़ाई शांति के टाइम पर होती है, ये अशांति के टाइम पर होती है, अभी शांति का टाइम चल रहा है। तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है, लास्ट में मान तो लेंगे लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रजापद में आ गए। स्वर्ग में तो आ गएंगे लेकिन उस पर नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा पति क्या कहता है, पहले घर का सुधार करोगे या घर का सुधार करोगे? घर में आग लगी हुई हो तो कोई बाहर दूसरे के घर में पानी डालने जाता है? पहले अपने घर के परिवार में अपने बाल बच्चों को आग से बचाते हैं। अब जान गए आप कि भगवान आके ज्ञान दे रहा है दुनिया में आग लगने वाली है, तो आपका फर्ज क्या कहता है? घर में गांव वालों को जाकर समझाना है या नहीं समझाना है? बस इतना कह के दूर हो जाएंगे, वो तो दूर रहेंगे, आपको नजदीक जाके सुनाना नहीं चाहिए। पंचन काया तब बननी शुरू होगी जब प्रकृति के पांच तत्व सतों प्रधान बनेंगे। ये शरीर प्रकृति का नमूना है, ये पांच तत्वों का शरीर है, ये सतों प्रधान बनना तब शुरू होगा जब पांच करोड़ की दुनिया जो है वो सतों प्रधान वाइब्रेशन वाली बनेगी। तो 500 करोड़ की दुनिया सन 36 तक रहेगी या नहीं रहेगी? 18 वर्ष तक है? रहेगी ना। तो वाइब्रेशन दुनिया के गंदे रहेंगे या अच्छे बनेंगे? 2036 तक, जब तक एटम बम का इकट्ठा विस्फोट न हो, गंदे बनेंगे ना। तो गंदे वाइब्रेशन में प्रकृति जो पांच तत्व वाली है वो सतो प्रधान बनेगी कि और ही तमोप्रधान होती जाएगी, और ही तमोप्रधान होगी। तो ये शरीर सड़ते जाएंगे या सतो प्रधान बनेंगे? शरीर तो सड़ते जाएंगे परंतु आत्मा जो बल से पावरफुल बनेगी।
पुनर्जन्म लेती है, दूसरा जन्म जाकर लेती है, उस आत्मा को कैसे वो गर्भ में कैसे प्रवेश कर लेती है, कैसे उसको पता चलता उस आत्मा को की आत्मा को कहीं बच्चा होता है, बच्चा बन करके जब बड़ा होता है तब तक भी उसको पता कुछ भी नहीं चलता। अभी आप इतने बड़े हो गए आपको कुछ पता चला क्या? ये कोई बात नहीं हुई। हाँ ये है कि आदमी जब शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले से ही माँ का गर्भ उसके संस्कारों और वाइब्रेशन के अनुसार तैयार हो गई। मनुष्य के शरीर छोड़ने से 4 महीने 5 महीने पहले से कोई माता के गर्भ में उस आत्मा के वाइब्रेशन के अनुसार, उस आत्मा के कर्मों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार वो पिंड तैयार हो गया। हाथ पांव वाला निर्जीव पिंड। क्या अगर उसने टांग ज्यादा चलाई होगी, टांग से ढेरों की हत्या करती होगी मार मार के लाते तो लंगड़ा पैदा होगा। आंखों से दुष्कर्म करके विचारी आंख बना करके बहुत सी कन्या माताओं को बहुत दुख दिया होगा। आज उसकी आंख लड़ाई उसको फसाई दिया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे पे आंख लड़ाई उसको छोड़ दिया, तीसरे को छोड़ दिया, ऐसे मजे ले ले करके आंखों का बहुत दुष्कर्म कर दिया तो कैसा पैदा होगा? अंधा पैदा। पानी जो है तो उसके माने भाई का जो इसके वो माने लगता था उसका आधा ताकत ना के उसके आ जाता था, लेकिन माने राम को माने राम को ज्यादा मानते हैं, राम को ज्यादा मानते पड़ती थी और पानी जो माने कुछ करते थे पानी से उसका आधा ताकत उसके माने आ जाता था। एक ऐसी बात जितने अपना अंग अंग ही दुनिया के बारे अर्पण कर दिया तो अपना जिसका वाणी, वाणी ने अपने भाई का सारा राज्य हरण कर दिया, पत्नी का भी राज्य हरण कर दिया। कितने? बाली। और बाली को ये वरदान दे दिया क्या कि जो कलयुग होकर के लड़ेगा माने सामना करेगा उसकी आधी ताकत खत्म हो जाएगी। यहाँ मुनियों ने भी बाबा ने बोला है बाप का तो कब सामना नहीं करना चाहिए। क्या जो बाप प्रजापिता मनुष्य शक्ति का हीरो पाठदारी शंकर उसका अगर कोई वाचा से क्रोध की दृष्टि से कर्म इंद्रियों से विरोध करता है तो क्या अर्जन आवेगा? उसकी आधी ताकत जो विरोध करने वाला उसकी आप ही ताकत का उसी समय आरंभ हो गया माने वो कभी विजयी नहीं हो सकता। इसलिए फिर राम ने क्या किया है? राम ने 7 तारों को सामने रखा, जो 7 तार के वृक्षों को एक बार से डालेगा वो वाली को मारने मार सकता है। तार के वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं लेकिन छाया का नहीं होते। ये जो 7 विधर्मी नारायण है ये ग्रेट फादर्स माने जाते हैं, मनुष्य सृष्टि में बहुत ऊंचे माने जाते हैं।
लेकिन सुख की शांति की छाया दुनिया वालों को नहीं दे सकते, इनको सामने रख करके शब्द किया जाए। अरे तुमने तुम्हें अभी मालूम पड़ा पूर्ण जन्म की कोई भी बात किसी को मालूम करती है क्या? अपने संसारों के अनुसार पहुँचती है, अपने संसारों के अनुसार जिस माता के गर्भ में पहुंचना होगा वो हिसाब किताब उसने पूर्व जन्म में ही बांध लिया। जहाँ जीत वहां जन्म, वो जो माता निमित्त बनेगी, माँ बाप निमित्त बनेंगे, जिन माँ बाप को उस आत्मा का बच्चा बनने के बाद शक्ति पेशाब साफ करनी पड़ेगी, ऐसा कर्म बंधन उन माँ बाप ने पूर्व जन्म में बांध लिया है। बच्चे माँ बाप के दासदासी बनते हैं या माँ बाप बच्चों के दासदासी होते हैं? सारी जिंदगी की कमाई बच्चों को सौंप देते हैं। जन्म देते समय, पालना करते समय, पढ़ाई पढ़ाते समय, धन कमाते समय बच्चों के लिए कितना सुख भोगते हैं। जन्म के ही जब प्रारंभ लाते हैं नहीं बने, व्याख्या उत्तम रूप में नहीं हुई। वेदों से निकले आरण्यक, उनसे निकले ब्राह्मण, उनसे निकले उपनिषद, उसके बाद बने हैं पुराण। ये एक दूसरे की व्याख्याएं होती गई। क्या जैसे ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली, अब उस मुख से निकली हुई वाणी को व्याख्या की जाती है, अव्वल नंबर के ब्राह्मण के द्वारा व्याख्या की जाती है। तो जो व्याख्या है उनको ब्राह्मण कहा गया। फिर उस व्याख्या को जो गहरे से गहरा फॉलो कर लेते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, वो आरण्यक कहे गए। आरण्यक माने जंगल। तुम बच्चों की विजय कब होगी? जब संन्यास भी निकलेंगे तब तुम्हारी विजय हो जाएगी। शुद्ध ज्ञान की गहराई को जिन जन संन्यासियों ने जन्म जन्मांतर पवित्रता धारण की है, वो ज्ञान की गहराई को गहराई तक पकड़ेगी। और गहराई तक पकड़ने के कारण वो जो व्याख्या करेंगे शास्त्रों को और बाबा की वाणी की, वो आरण्य कहेंगे। उपनिषद उसको माने नजदीक, नजदीक बैठ करके ज्ञान दिया जाता है। जैसे कठोपनिषद, एक गुरु और एक समझने वाला केला, एक बैठ करके एक को समझाएगा, सात दिन का कोर्स देगा, कोर्स भरेगा, तो क्या बनेगा? वारिसदार बनेगा, बाप का बच्चा बनेगा, राजाई का अवतार बनेगा। अगर प्रदर्शनी कर दी और ढेरों में ढेरों आए और प्रदर्शनी में समझ करके चले गए, वो क्या बनते हैं? वो प्रजा बन गया।
तो ऐसा भी टाइम आएगा कि एक बैठ करके एक को सात दिन तक समझावे, दूसरे की दृष्टि वृत्ति वाचा उसका विचार नहीं लगेगा। क्योंकि जब कोई किसी को समझाता है ज्ञान तो दृष्टि से दृष्टि भी मिलानी पड़ती है। वो दृष्टि अविविचारी होनी चाहिए या विविचारी होनी चाहिए? वाचा शिष्य प्रश्न पूछेगा, जो समझाने वाला है वो जवाब दे। किताबें और शास्त्र तो लिमिटेड होते हैं, वो प्रश्नों का समाधान नहीं करते। रामायण पढ़ लो, सबको अलग अलग प्रश्न आएंगे रामायण पढ़ने के बाद, उन प्रश्नों का समाधान रामायण की किताब करेंगे? नहीं करेंगे। कोई भी शास्त्र हो वो प्रश्नों का समाधान नहीं करेगा। संघ को बैठ करके अगर सच्चा ज्ञान ही ग्रहण होगा तो हर प्रश्न का समाधान करेगा। कोई शास्त्र रेफर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान शास्त्रों से नहीं आता है, ज्ञान सागर बाप से आता है। फिर बाद में और प्रश्नों की व्याख्या पुराणवर्ती बनी, वेद सारे पुराण